हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज है 13 अक्टूबर 2018 और आज की इस डिस्कशन में आपका स्वागत है। आज का जो पहला आर्टिकल आया है वह है ग्लोबल हंगर इंडेक्स को लेके। तो हम यहाँ पे जानेंगे कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, उसमें इंडिया की रैंकिंग क्या रही है और क्या क्या इसके प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या इसमें इश्यूज़ वगैरह हैं, वो भी हम इंडिया के लिए डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स है वो पब्लिश कौन कर सकता है, कौन करता है। देखो, ग्लोबल हंगर इंडेक्स है वो पब्लिश किया जाता है वेल्थ हंगर लाइफ एंड कॉन्कर वर्ल्ड लाइफ, एक इंस्टीट्यूट है, उन दोनों के द्वारा बेसिकली इसको पब्लिश है वो किया जाता है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। यूपीएससी डायरेक्टली मैच द फॉलोइंग में ऐसे क्वेश्चन वगैरह पूछती रहती है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट को इसमें यूज है वो क्या जाता है। देखो, सबसे पहले हमें ये चीज़ पता होना चाहिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के जो टारगेट रखे गए हैं, जिनको 2030 में अचीव करना है, जो कि आपको पता है कि यूएन द्वारा बेसिकली डिसाइड किए गए थे और फिर उनको धीरे धीरे और अदर कंट्रीज ने भी इसको रेक्टिफाई है वो किया है। तो उसमें जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का टारगेट सेकेंड है वो है ये बेसिकली ग्लोबल हंगर को खत्म करना है, मतलब भूखमरी है, कुपोषण है, इसको खत्म करने के लिए बेसिकली स्टार्ट है वो किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल है हमारी यूनाइटेड नेशन के द्वारा, उनके गोल 2 के अंदर ग्लोबल हंगर इंडेक्स है या हंगर को काउंट है वो किया गया, भूखमरी को निपटाना बेसिकली फोकस किया गया। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। अब हम ये देखते हैं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स है इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स का यूज किया जाता है, मतलब कौन कौन से पैमाने हैं जिनके आधार पे यह इंडेक्स वो पब्लिश किया जाता है। देखो, तो इसके बारे में कल एडिटोरियल भी आया था और आज आर्टिकल आया हुआ है, तो हम इसे अच्छे से डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात यह थी, इसमें 4 कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट इसमें होता है अंडर न्यूरिशमेंट, मतलब सीधी सी बात यह है। देखो, कुपोषण होता है ना, उसमें आपको बता दूं कि दो तरह की चीज़ें होती हैं। अगर आपको प्रॉपर खाना नहीं मिल रहा है तो कुपोषण है, और अगर आप मोटापे से पीड़ित हो रहे हो, मतलब मोटापा बढ़ रहा है, तो वो भी कहीं ना कहीं कुपोषण की वजह है। कि कहीं ना कहीं कुपोषण का मतलब क्या होगा कि जो बैलेंस डाइट जो आपको मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है, और इसकी वजह से मोटापा, या आप बोल सकते हो कि शरीर है वो ढंग से डेवलप नहीं हो पाता है, काफ़ी सारे इश्यूज़ है वो होने को सामने आ जाते हैं। तो एक तो क्या होगा, कुपोषण या अंडर न्यूरिशमेंट, मतलब कि आपको खाना प्रॉपर ढंग से नहीं मिल रहा है, जो भी आपकी डाइट है उसके अकॉर्डिंग। सीधी सी बात ये होगी, चाहे आप एक चीज़ को ज़्यादा खा रहे हो, दूसरे आप प्रॉपर कैलोरीज वगैरह आपको नहीं मिल पा रही हैं। दूसरा इसमें जो कंपोनेंट होता है वो होता है चाइल्ड वेस्टिंग। देखो, चाइल्ड वेस्टिंग का मतलब क्या होता है कि बच्चे की जितनी हाइट हुई है ना, उसके अकॉर्डिंग बच्चे का वेट नहीं है, मतलब जितनी हाइट उसके अकॉर्डिंग वेट हो बहुत कम है, तो वो हो गया चाइल्ड वेस्टिंग। तीसरा होता है स्टंटिंग। स्टंटिंग का मतलब ये होता है कि बच्चे की जितनी एज है ना, उसके अकॉर्डिंग हाइट नहीं है। मान लो कि बच्चे की एज हो गई है 17 साल और आज उसकी हाइट है वो लग रही है लगभग 2 साल के बच्चे की तरह, तो वो क्या हो जाएगा, स्टंटिंग की प्रॉब्लम है, वो उसमें काउंट किया जाएगा। इसके बाद में चौथा फैक्टर आता है, वो आता है चाइल्ड मोर्टेलिटी, मतलब चाइल्ड मृत्यु दर। ये बेसिकली देखो काउंट की जाती है कि 5 साल की जो हाइट एज है उसको अचीव करने से पहले कितने बच्चों की डेथ है वो हो गई है, उसके आधार पे चाइल्ड मोर्टेलिटी को काउंट है वो किया जाता है। तो यह इफेक्ट हमें ध्यान में रखना है कि इन 4 पैरामीटर्स के आधार पे ग्लोबल हंगर इंडेक्स को पब्लिश है वो किया जाता है। यूपीएससी इन 4 पैरामीटर्स के बारे में भी पूछ सकती है, तो हमें ध्यान रखना है कि अंडर न्यूरिशमेंट, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग और मोर्टेलिटी है, चाइल्ड मोर्टेलिटी, इन 4 पैरामीटर के बेसिस पे ग्लोबल हंगर इंडेक्स है वो पब्लिश किया जाता है। अब हम देखते हैं आगे, बात करें हम इंडिया की हालत, तो देखो इंडिया की जो रैंकिंग है इसमें वो ज़्यादा ठीक नहीं है। जो कॉन्कन वर्ल्ड लाइफ जो इंस्टीट्यूट है, सॉरी हाँ, जो वर्ल्ड वाइड इंस्टीट्यूट है, उसने बेसिकली इंडिया की रैंकिंग है वो पब्लिश की है सीरियस वाली कैटेगरी में। इसमें देखो अलग अलग कैटेगरी है, एक तो नॉर्मल है, सीरियस है, और एक थोड़ा मतलब अच्छी क्वालिटी है, इस तरीके से बेसिकली। तो इंडिया की रैंकिंग है वो सीरियस वाली में रखी गई है, मतलब इंडिया में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा गंभीर है। इंडिया की रैंकिंग है 119 कंट्रियों में 103वें स्थान पर इंडिया की रैंकिंग है वो आई है, मतलब इंडिया को इस दिशा में काम करना होगा। हमारे देश में बच्चों कुपोषण से पीड़ित हैं, इसके साथ ही चाइल्ड वेस्टिंग हुआ, चाइल्ड स्टंटिंग हुआ, और बात करें हम मोर्टेलिटी की, चाइल्ड मोर्टेलिटी, वो भी समस्या काफ़ी ज़्यादा है। तो इन चीज़ों से हमें लड़ना होगा और तभी हम इन पैरामीटर्स को और ज़्यादा अच्छे से बूस्ट कर सकते हैं। फिर थोड़ा देखो यहाँ पे कंपैरिजन दिया गया है बेसिकली कि 2000 के जो ईयर्स थे जहाँ पे रेफरेंस लिए हम बेसिकली काउंट करते हैं कि उसके आधार पे हमारी रैंकिंग में उसमें क्या सुधार वगैरह हुआ। तो 3 क्राइटेरिया, 3 जो एरियाज है वहाँ पे हमारे देश में काफ़ी मतलब देखने को डेवलपमेंट या पॉजिटिव एक तरह से आप बोल सकते हो कि नज़रिया मिला है। सबसे पहली बात की जाती है चाइल्ड मोर्टेलिटी की। तो देखो 2000 की बात करें, सन 2000 की, उस टाइम पे हमारे देश में चाइल्ड मोर्टेलिटी थी वो थी 9.2%, और आज वो घट के हो गया 4.3%, मतलब इस दिशा में हमने अच्छा काम है वो किया है और भी अच्छा करने की ज़रूरत है वो है।
इसके बाद में आती है चाइल्ड स्टंटिंग। चाइल्ड स्टंटिंग का मतलब क्या होता है कि जितनी एज है उसके अकॉर्डिंग बच्चे की हाइट नहीं है, तो वो हमारे देश में 2000 के टाइम पे थी, वो थी 54.2%। मतलब लगभग आधे से ज़्यादा जो बच्चे थे वो बेसिकली चाइल्ड स्टंटिंग से पीड़ित थे, जबकि आज ये हो गई है 38% के आसपास। मतलब काफ़ी कम बच्चे हैं वो चाइल्ड वेस्टिंग से पीड़ित हैं, स्टंटिंग से। बट की समस्या देखो अभी गंभीर है, बट पहले के डाटा से कंपेयर किया जा रहा है। अब बात की जाती है अंडर न्यूट्रिशमेंट या कुपोषण की, बात हम करें माल न्यूट्रिशन की, तो वो देखो 2000 के टाइम पे था वो था 18.2% और अभी घट के हो गया 14.8%। मतलब इन तीन से एरियाज में आप बोल सकते हो कि हमारे देश में अच्छा काम करने को मिला है, इसलिए हमें और ज़्यादा डेवलपमेंट या और ज़्यादा इस दिशा में सुधार करने की ज़रूरत है। वो है जैसा मैंने आपको बताया कि यूनाइटेड नेशन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के जो टारगेट्स हैं उनमें गोल 2 के अंदर भुखमरी को निपटाने की बात है, ख़त्म करने की बात है, वो की गई है और उसी को बेसिकली यहाँ पे काउंट है, वो किया जा रहा है। इसके साथ ही हम बात करें कि देखो जो वेस्टिंग की, वेस्टिंग का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था वेस्टिंग का मतलब होता है जितनी हाइट है उसके अकॉर्डिंग बच्चे का वेट नहीं है। और ये जो प्रॉब्लम है वेस्टिंग की, ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है हुआ है साउथ एशिया में। तो साउथ एशिया की जो कंटीजेंसी की, इंडिया भी इंक्लूड होता है, इन कंट्रीज़ में चाइल्ड वेस्टिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। मतलब यहाँ पे बच्चों का जो वेट है उनकी हाइट के अकॉर्डिंग है वो सही नहीं है, तो इस दिशा में हमें थोड़ा और काम करने की ज़्यादा फोकस है वो करना पड़ेगा। अब हम चलते हैं आगे। अगला जो आर्टिकल आया है वो है नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स 2018 के बारे में। देखो अभी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उसने भी एक ड्राफ्ट इश्यू किया है नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स 2018, यानी कि एनपीई 2018। अब ये क्यों बेसिकली ड्राफ्ट जारी किया गया है वो हम देखते हैं। देखो हमारे देश में हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का काफ़ी ज़्यादा यूज है वो होता है, और हमें मैक्सिमम जो प्रोडक्ट हैं इलेक्ट्रॉनिक्स उनके, चाहे आप स्पेयर पार्ट ले लो चाहे उन प्रोडक्ट्स को ले लो, वो हमें बाहर से इम्पोर्ट है वो करने पड़ते हैं। तो गवर्नमेंट ये चाह रही है कि भाई हम हमारे देश में इलेक्ट्रॉनिक्स जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह हैं उनको क्यों नहीं बनाएं, और इसीलिए जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग है जिसे कि ESDM कहते हैं, इसको और ज़्यादा बूस्ट करने के लिए, मतलब इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं उनको यहाँ डिजाइन किया जाए इंडिया में, उनको डेवलप किया जाए, इसके लिए बेसिकली गवर्नमेंट ये पॉलिसी है वो लेके आ रही है। इसका फ़ायदा क्या होगा, हमारे देश में जो घरेलू प्रोडक्शन है इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स का वो बढ़ेगा, जिससे देखो बेनिफिट क्या होगा, एक तो हमारा पैसा है वो बच जाएगा, हमें चीज़ें आयात कम करनी पड़ेंगी, दूसरा क्या होगा हम चीज़ों को बाहर बेच सकते हैं, अगर हम ज़्यादा अच्छा प्रोडक्शन करेंगे तो चीज़ें बाहर चली जाएंगी, और अगर चीज़ें बाहर जाएंगी तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट हमें देखने को यही मिलेगा कि हमारा एक्सपोर्ट है वो बढ़ेगा। अगर आप जानते हो कि एक्सपोर्ट बढ़ेगा इसका मतलब साफ साफ हमें फ़ायदा होने वाला है, हमारा निर्यात बढ़ेगा तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट वगैरह भी कम होगा और हमारी इकोनॉमी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं डोमेस्टिक प्रोडक्शन से फ़ायदा होगा। देखो गवर्नमेंट का एक टारगेट रखा गया था कि हमें 2025 तक 1 बिलियन मोबाइल हैंडसेट है वो प्रोड्यूस करने हैं। बेसिकली स्टार्टिंग में था 500 बिलियन था कि 2019 तक 500 बिलियन और 2025 तक 1 बिलियन मोबाइल हैंडसेट है वो हमें प्रोड्यूस करने हैं। तो इन टारगेट्स को अगर हमें अचीव करना है तो कुछ ना कुछ काम करना होगा, और इसीलिए नई इलेक्ट्रॉनिक्स पॉलिसी लाई गई है ताकि हमारे देश में 2025 तक 7 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट मार्केट है मोबाइल का वो तैयार किया जा सके। मतलब हमारे देश का जो भी GDP है उसमें 7 लाख करोड़ का जो हिस्सा होगा वो कहीं ना कहीं मोबाइल हैंडसेट का होना चाहिए, कि भाई इतना तो चीज़ें हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी इम्पोर्ट नहीं एक्सपोर्ट, मतलब 7 लाख करोड़ का तो हम इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है मोबाइल्स का बेसिकली वो एक्सपोर्ट कर सकें। ये कैपेसिटी अगर हमें डेवलप करनी है तो इसके लिए देखो हमें हमारे देश में जगह जगह डेवलपमेंट करना होगा, मतलब हमें तरह तरह के प्रोजेक्ट लगाने होंगे, तरह तरह की इंडस्ट्रीज उनको डेवलप करना होगा, इसी के साथ हमें कोऑर्डिनेशन भी करना होगा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट के साथ, और भी जो इश्यूज हैं उनसे निपटना होगा, सब्सिडी वगैरह के तहत लोगों को अट्रैक्ट करना होगा, इन्वेस्टमेंट भी करनी होगी, बहुत सारे काम है वो करने पड़ेंगे। अब देखो होगा क्या, जो नई नेशनल पॉलिसी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स लाई जा रही है ये बेसिकली एक पुरानी स्कीम थी जिसका नाम था मॉडिफाइड स्पेशल इंसेंटिव पैकेज स्कीम, जिसे बेसिकली कहा जाता है MSIPS स्कीम। इस स्कीम में होता क्या था पहले थोड़ा ये देख लेते हैं। देखो जो MSIPS स्कीम है ये बेसिकली इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम थी, मतलब इसमें क्या होता था जैसे किसी भी पर्सन को मान लो कि कोई इंडस्ट्री लगानी है, एक तरीके से आप बोलते हो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए मान लो कि AC बनाने की इंडस्ट्री लगानी है, तो उसको क्या है कि इंटरेस्ट में सब्सिडी दी जाएगी, उसने लोन ले लिया तो उसको जैसे कि ये मान लो कि 10% की रेट से उसे अगर लोन का पैसा वापस चुकाना है तो उसको वहाँ पे 5% ही देना होगा, 4 जो भी है गवर्नमेंट डिसाइड कर लेगी उसके मुताबिक उन्हें सब्सिडी मिल जाएगी।
ऐसे इसमें चीज़ों को फोकस किया गया था। तो अभी देखो इसमें काफ़ी सारे चैलेंजेस भी थे, तो उन कमियों को दूर करने के लिए नई पॉलिसी है वो लाई गई है। तो यूपीएससी एक तो इसके बारे में पूछ सकती है कि रिसेंटली MSIPS न्यूज़ में था क्या है, क्या है कुछ जैसे लोन्स वगैरह के लिए एक तरीके से ट्रैकिंग वगैरह का कुछ सिस्टम है या फिर कुछ और चीज़ है, तो हमें पता होना चाहिए कि भाई MSIPS है वो एक्चुअली हमारे देश में इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स वगैरह है या बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज है, उनमें बेसिकली इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम के तौर पर लॉन्च है वो की गई थी। इसी के साथ देखो गवर्नमेंट ने इसमें यह प्रावधान रखा है नई पॉलिसी ड्राफ्ट में कि हम 20 ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट क्लस्टर हैं वो डेवलप करेंगे। क्लस्टर का मतलब ये होता है कि वो एरिया जहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ों का प्रोडक्शन होता है, बहुत सी कंपनीज मिलकर काम है वो करती हैं। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो कि गाँव सा तैयार किया जाएगा जहाँ पर बहुत सी कंपनीज होंगी, छोटी छोटी कंपनीज, और वो मिलकर वहाँ पर डेवलप प्रोडक्शन है वो करेंगी। इसके साथ ही हम बात करें 3 ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट की या क्लस्टर की बात की जा रही है। देखो ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट और बता दूँ ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट में डिफरेंस क्या होता है, पहले थोड़ा वो भी देख लेते हैं। ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट का मतलब ये होता है वो प्रोजेक्ट जो एकदम नए सिरे से लगाए जा रहे हैं, मतलब उनके लिए पहले कुछ भी फिक्स नहीं था ना तो उनके लिए कुछ काम था, बस अभी उनकी बात की गई है और नए सिरे से उनको लगाया जा रहा है, वो तो हो गया ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट। ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट वो होते हैं कि वो प्रोजेक्ट जो पहले से या तो स्टार्ट किए गए हैं, जैसे कि या तो उनका कंस्ट्रक्शन हो गया है या फिर आप उनमें बोल सकते हो कि उनमें प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था, बाकी सारा काम हो चुका है, तो उनके अंदर डेवलपमेंट करना है, उनके अंदर चेंजेस लाके उनको डेवलप करना, वो होता है ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट। तो अभी गवर्नमेंट क्लस्टर तैयार करेगी और फिर क्लस्टर के बेसिस पे हमारे देश में इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का डेवलपमेंट है या प्रोडक्शन है वो बढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो है ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स को लेकर। देखो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स है वो पब्लिश कौन करता है। तो अहम बात क्या है, वर्ल्ड बैंक है उसके द्वारा ग्लोबल कैपिटल इंडेक्स है, सॉरी ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स है वो पब्लिश किया जाता है। बेसिकली वर्ल्ड बैंक के द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश की जाती है जिसका नाम है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो इस वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है इसी का पार्ट होता है ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, क्योंकि अगर वर्ल्ड का डेवलपमेंट हो रहा है तो उसका मतलब ह्यूमन का भी तो डेवलपमेंट हो रहा है, विदाउट ह्यूमन डेवलपमेंट वर्ल्ड का डेवलपमेंट कैसे हो सकता है, तो इसीलिए एक पार्ट के तौर पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी किया जाता है। तो यह हमें ध्यान में रखना है, वर्ल्ड जो जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो बेसिकली 0 से 1 के बीच में होता है, मतलब 0 का मतलब तो क्या हो गया बहुत ही खराब है वहाँ पे डेवलपमेंट कुछ हो ही नहीं रहा है, 1 का मतलब क्या हो गया वहाँ पे बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है। तो बेसिकली जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनका 1 के करीब होता है, 1 तो नहीं बोल सकते, 1 के करीब मतलब 0.75 से ज़्यादा उनका होता है ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, तो वहाँ पर डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा हो रहा है। इंडिया की बात करें इस बार रैंकिंग की 2019 की, तो वो रही है 0.44, मतलब इंडिया की रैंकिंग वो ज़्यादा अच्छी नहीं है, ठीक ठाक आप बोल सकते हो कि हाँ काम चला हुआ है, ज़्यादा बढ़िया तो हम इसे नहीं बोल पाएंगे। इस बार की जो थीम है ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स की वो है द चेंजिंग नेचर ऑफ वर्क, तो ये इस बार की थीम है वो रखी गई है। अब ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स है उसमें भी देखो 3 क्राइटेरियाज होते हैं, उन क्राइटेरिया के आधार पर बेसिकली इसे पब्लिश किया जाता है, और इस चीज़ को लेके इंडिया को काफ़ी बार इश्यूज भी रहते हैं कि भाई ये क्राइटेरिया सही नहीं है, क्योंकि इन क्राइटेरिया की वजह से हमारे देश का जो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स है वो कम रहता है। पहले तो क्राइटेरिया देखते हैं, एक क्राइटेरिया तो इसमें है मोर्टेलिटी। देखो मोर्टेलिटी का मतलब मैंने आपको बताया था कि 5 साल की एज अचीव करने से पहले बच्चे की डेथ होना, वो आता है मोर्टेलिटी में। दूसरा क्राइटेरिया इसमें होता है हेल्थ इन्वायरमेंट, मतलब कि हमारे देश में एडल्ट वगैरह है वो कैसे सर्वाइव कर पा रहे हैं, इसके साथ ही जो स्टंटिंग वगैरह है उनकी प्रॉब्लम कैसी है, इसके पैरामीटर के आधार में। और तीसरा होता है क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ एजुकेशन, मतलब किस तरीके की क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ एजुकेशन है वो हमारे देश में मिल रही है। देखो क्वालिटी का मतलब तो क्या होगा कि एजुकेशन की क्वालिटी कैसी है, कितनी अच्छी एजुकेशन दी जा रही है, जो स्टैंडर्ड्स वगैरह हैं गाइडलाइंस वगैरह हैं वो कैसी हैं, और क्वालिटी सॉरी हाँ क्वान्टिटी का मतलब क्या हो जाएगा कि एजुकेशन कब तक दी जा रही है बच्चे को, ऐसा तो नहीं है बच्चे ने 5वीं क्लास तक बच्चे पढ़ रहे हैं उसके बाद बच्चे पढ़ ही नहीं रहे, मतलब क्वालिटी भी होनी चाहिए और क्वान्टिटी दोनों को इंश्योर हमें करना है। इन क्राइटेरिया के आधार पे बेसिकली से पब्लिश है, कंपोनेंट के आधार पे पब्लिश किया जाता है। अब इंडिया का देखो ये कहना है कि हमारी ज्योग्राफिकल जो आप बोल सकते हो कि मतलब एक तरीके से डाइवर्सिटी है, ज्योग्राफिकल जो इश्यूज हैं उसकी वजह से कहीं ना कहीं ये तीनों क्राइटेरिया हमारे लिए सही नहीं है। और एक रीज़न इंडिया ये कहता है कि देखो जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो इंडिया को दबाने के लिए, मतलब इंडिया को एक तरीके से प्रेशराइज करने के लिए इस इंडेक्स को यूज़ है वो करती हैं, और इसमें इंडिया की रैंकिंग जानबूझ के नीचे देती हैं, अदरवाइज इंडिया बहुत अच्छा काम है वो कर रहे हैं। अब इंडिया ने क्या बोला, इंडिया की तरफ से देखो ये कहना है बेसिकली, मतलब काफ़ी बार ये पॉइंट आते हैं मैं आपको वो बता रहा हूँ,
जैसे एक पॉइंट तो ये आता है कि भाई इंडिया है, उसमें जो लर्निंग की क्वालिटी है उस पर फोकस नहीं किया गया। यहाँ पे केवल फोकस किया गया कि क्वालिटी और क्वालिटी टाइप एजुकेशन दी जाए, मतलब एजुकेशन देने की बात की गई है, ये फोकस नहीं किया गया कि बच्चों को समझ में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, उस पर फोकस ही नहीं किया गया। तो इंडिया का ये कहना है कि जो क्वालिटी वाली एजुकेशन की आप बात कर रहे हो ना, इसमें लर्निंग आउटकम कैसा है उस चीज़ को तो आप फोकस कर ही नहीं रहे हो। एक ये इंडिया के द्वारा कहा जा रहा है कि देखो भैया इसमें इनकम को तो आपने फोकस नहीं किया कि इनकम कैसी है कैसी नहीं है, केवल आपने वेस्टर्न स्टैंडिंग दो तीन पैरामीटर्स के आधार पे काम चला लिया, तो ये कहीं ना कहीं तर्कसंगत नहीं है। इसीलिए इंडिया क्या कहता है कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, जो कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा बेसिकली पब्लिश किया जाता है, वो ज़्यादा बेटर है, जिसे हम कहते हैं HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अब देखो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है और जो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स है, इनमें डिफरेंस क्या है? सबसे पहली बात तो यह कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स UNDP के द्वारा पब्लिश किया जाता है और कैपिटल इंडेक्स है वो पब्लिश किया जाता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का पैरामीटर भी हम देख लेते हैं यहाँ पे कंपोनेंट को। पहला कंपोनेंट तो उसका क्या है कि क्वालिटी इन लर्निंग, मतलब बच्चे पढ़ रहे कैसे हैं, बच्चों को समझ में कैसा आ रहा है, वो उन लर्निंग की उनकी क्वालिटी कैसी है उसको फोकस करता है। और दूसरा पैरामीटर है वो है इनकम कंपेयर्ड, मतलब इनकम है वो कंपेयर की गई नहीं की। तो इन दो पैरामीटर्स को इंडिया सपोर्ट करता है कि भाई ये अच्छे पैरामीटर्स हैं, तो इसलिए इनके आधार पे इंडिया की रैंकिंग है वो पब्लिश करनी चाहिए। तो हमने यहाँ पे देखा कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है और ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स क्या है, कौन कौन से पैरामीटर्स या कंपोनेंट है जिनके आधार पर इन्हें पब्लिश है वो क्या जाता है, तो UPSC इनके बारे में पूछ सकती है। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो है सेंटर फॉर द फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। देखो आपको पता है कि फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है, उसका टाइम अभी स्टार्ट हो चुका है और इंडियन गवर्नमेंट ये चाहती है कि भाई इंडिया इस बार फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है उसमें अपने आप को एक तरह से लीड रोल के तौर पर आगे लेके आए। तो पहले तो हम देखते हैं कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टार्ट कब हुई थी। देखो बेसिकली बात करें हम इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की, तो पहली जो इंडस्ट्रियल क्रांति आप बोल सकते हो या फिर औद्योगिक क्रांति जिसे हम कहेंगे, वो बेसिकली स्टार्ट हुई थी 1700 के एंड में, मतलब 1780 के बाद में जो स्टार्ट हुई थी, 1780 के आसपास से लेकर 1800 के नियर बाई एरियाज में, वो हुई थी फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। इसमें हुआ क्या था, पहली औद्योगिक जो क्रांति थी इसमें मशीन का यूज स्टार्ट हुआ था, मतलब इंसान की जगह मशीन को यूज करना शुरू कर दिया गया था, ये तो हुई थी पहली इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। तो ये कहाँ हुई थी ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि वर्ल्ड की जो पहली इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन थी वो कहाँ से स्टार्ट है वो हुई थी। इसके बाद में आता है सेकेंड, आता है वो आता है सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। तो देखो सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन या सेकेंड औद्योगिक क्रांति है वो बेसिकली 19th सेंचुरी है, उसके एंड में हुई थी, मतलब 19वीं आप ये बोल सकते हो कि 1880-90 के बाद जो स्टार्ट हुई थी प्रोडक्शन वगैरह की, और वर्ल्ड वार फेस्ट का जो टाइम आया था 1900, आपको पता है 14, 15, 16 ये बिग टाइम था, इसके टाइम पर जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आई थी वो थी सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। इसमें क्या हुआ था, इसमें ये डिफरेंस था, देखो पहली में तो केवल मशीनों से प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था, सेकंड में क्या है कि मशीनों से प्रोडक्शन की स्पीड बढ़ गई थी। पहले तो क्या था कि इंसान की जगह सिर्फ मशीन थी, बस इतना ही फर्क था, वो एक काम धीरे धीरे चलता था और मशीन का यूज़ होता था। बट सेकंड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में क्या हुआ कि मशीन से ही चीज़ें बनने लगी, सारा काम मशीन से ही, मतलब बहुत फास्ट स्पीड से काम होने लग गया और जो प्रोडक्शन की स्पीड थी वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। थर्ड में क्या हुआ, थर्ड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आई थी आज़ादी के बाद 1970 के दशक में, जब आपको पता है कि इंटरनेट आया था, डिजिटल कंप्यूटर वगैरह ऐसी चीज़ें आई, ये थी थर्ड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। इसमें 3D प्रिंटिंग वगैरह ये चीज़ें इंक्लूड है वो हो गई थी। तो अब बात करें फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, जो कि आपको बताया बेसिकली 22वीं सेंचुरी में भी स्टार्ट बेसिकली हो चुका है, काफ़ी सारे इसके पॉइंट्स वगैरह हैं वो देखने को हमें मिल रहे हैं, तो हम इनको यहाँ पे देखते हैं। देखो फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का मतलब क्या है कि इस बार कुछ एक तरीके से एडवांस टेक्नोलॉजी है उसका यूज होगा, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम बात करें तो ये फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हो गया, मतलब ऐसे टेक्नोलॉजी जो अब काफ़ी शार्प हैं और उनमें बहुत ज़्यादा लेबर की जरूरत नहीं है, एक तरीके से उसमें स्किल्ड लेबर की जरूरत है। वर्ड पे फोकस करना, स्किल्ड लेबर की बात की जा रही है, मतलब टैलेंट की यहाँ पे फोकस किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि आप आम आदमी से काम करवा पाओगे, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके की शार्प टेक्नोलॉजी का आप यूज करोगे जिसमें कोई भी कंट्री आगे जा सकती है। तो इंडिया भी चाहता है कि भाई हम इस बार पीछे क्यों रहे, हम भी कुछ ना कुछ अच्छा काम धमाका करें। तो ये बेसिकली सेंटर फॉर जो वर्ल्ड सॉरी फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है वो बेसिकली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, उसके द्वारा गवर्नमेंट और जो प्राइवेट सेक्टर्स आप बोल सकते हो बिजनेस लीडर्स हैं उनको एक साथ लाने के लिए, ताकि फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन पे काम किया जा सके। और इंडिया में जो सेंटर बनाया गया है वो बनाया गया है महाराष्ट्र में।
क्योंकि देखो महाराष्ट्र के अंदर ड्रोन का काफ़ी अच्छा स्कोप है, इसके साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी बहुत अच्छा स्कोप है, और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको लगाने के लिए भी बहुत बढ़िया स्कोप है, वो तैयार किया गया है। तो इस आधार पर महाराष्ट्र को एक्चुअली यहाँ पर लीड रोल दिया गया है कि इंडिया में महाराष्ट्र है वो फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन को रिप्रेजेंट करने वाला है। बेसिकली यहाँ पे महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट है वो भी आपस में कोलाब्रेशन कर रही है ताकि और अच्छा रिजल्ट हमें देखने को मिले। और ये ध्यान रखना कि नीति आयोग इसमें कोऑर्डिनेशन का काम करेगा, जो कि गवर्नमेंट और प्राइवेट जो इंस्टीट्यूट होंगे या बिजनेस ग्रुप्स होंगे उनके बीच में कम समन्वय स्थापित करेगा, कोऑर्डिनेशन करवाएगा ताकि फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का हमें अच्छा बेनिफिट देखने को मिल सके। तो ये था कंप्लीट आर्टिकल जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। तो ये तो थी आज की हमारी डिस्कशन। कल देखो एक्चुअली मैं आउट ऑफ स्टेशन था, तो कल देर रात तक मुझे कोई ऐसी जगह मिली नहीं कि जहाँ पे मैं लेक्चर मतलब रिकॉर्ड कर पाऊँ, तो इसलिए लेक्चर है वो पब्लिश नहीं हो पाया था। तो हम कल उस डिस्कशन को कंटिन्यू है, वो कंप्लीट है, वो कर देंगे। तो फिलहाल की डिस्कशन इतनी है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।